हमारा स्थान है थोड़ा आगे ना, तो ये हमारा स्थान है पूरा जामुड़ी की नाल में है और अरावली की इन पूरी पहाड़ी चारों ओर। उदयपुर से करीब ये 17 से 18 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छा स्थान है और एक समय में यहाँ एक छोटा रोड निकलता था यहाँ से होकर सीधा जैसे सिंगल, अभी तो हाईवे बन गया है। हाईवे बनने के बाद काफ़ी सुविधाएँ तो हुई है और ये जामुड़ी की नाल इसलिए फेमस है कि यहाँ जामुन के पेड़ बहुत है। यहाँ पे आप देखेंगे इधर जाएंगे तो इतने सारे पेड़ है, इतने सारे पेड़ है जामुन के कि यहाँ पे हमारे जो जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं वो भी तोड़ के और व्यवसाय भी करते हैं, बेचते भी हैं। बहुत बड़ा काम है यहाँ पे तो जामुन का। और बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पे और जंगली जानवर भी इतनी मौजूद है। प्रकृति का सुंदर यहाँ पे दृश्य हम देख सकते हैं। और ये जो हमारा धार्मिक स्थान है, महादेव जी का स्थान है, माया राम जी की समाधि है, ऊपर देखे तो आप हनुमान जी का मंदिर आपने देखा होगा, वो बढ़िया जो है वो स्थान है। यहाँ पे जब आते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हम जहाँ जाते हैं तो भक्ति में जाते हैं तो भक्ति में रंग जाते हैं, सामाजिक काम में जाते हैं तो सामाजिक काम में अपनी भागीदारी दिखाते हैं, वहाँ वैसे विचार व्यक्त करते हैं, विचार में विचारित में तो विचार जहाँ प्रवृत्ति में वहाँ। और जब हम साहित्य में जाते हैं तो साहित्यिक बन जाते हैं, और जब हम सांस्कृतिक काम भाग लेते हैं भजन कीर्तनों में तो हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा संतुष्ट लगता है कि प्रकृति की हरियाली में, नेचुरल हवा में और ऑक्सीजन से परिपूर्ण ये स्थान है। और बावड़ी आपने देखी कितना सुंदर जल यहाँ पे मौजूद था, उसमें छोटे छोटे जीव भी इसमें रहते हैं। गौशाला भी यहाँ है, छोटी बड़ी कुछ गायें यहाँ पे मौजूद है। और ये जो भी था जितने भी हमारे दानदाता है, भामाशाह है, जो अपने श्रद्धा और भक्ति के अनुसार यहाँ पर दान देकर मंदिर के विकास में सहयोग देते हैं, उनको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपके बिना ये कार्य संभव नहीं है। आप अपनी लक्ष्मी जी की कृपा सदा इन पर बनाए रखे, भगवान भोलेनाथ जी पर, बाबा रामदेव जी पर, हमारे माया राम जी के समाधि स्थल पर, सभी पे आपने लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखे ताकि यहाँ विकास के काम होते रहे। हमारे मिस्त्री जी ने बताया कि कितना अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, टाइल्स लगा रहे हैं, मार्बल्स लगा रहे हैं, है ना, तो बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। बढ़िया अच्छा लगता है, तब यहाँ आते हैं मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। लगातार हमारे पिताजी थे मुंदालाल जी, वो एक सत्संगी व्यक्ति थे, वो भी यहाँ आते थे, सत्संग करते थे, रात रात भर यहीं रुकते थे। हमारे माया राम जी और ये इनके शिष्य ही थे। हम लोगों का भी जुड़ाव हमारा नाता हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसको समझे, वो भी आए, लगातार अपने से जितना भी धर्म पुण्य हो वो करते रहे, हम भी जैसे कर रहे हैं तो वो भी करते रहे, तो लगातार इससे अच्छा रहता है। हमारा धर्म का प्रचार होता रहे, सनातन धर्म का प्रचार होता रहे। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे। हम जब माँ के पेट से जन्म लेते हैं तब हम एक मास के लौंदे होते हैं, कुछ नहीं इससे ज़्यादा, लेकिन हमें जो मिलता है वो समाज से मिलता है, इस पूरी मानव जाति से मिलता है। हम नर थे, एक मादा थे, उसकी भी हमें जानकारी नहीं थी, वो भी हमें इस समाज और इस प्रकृति से हमें मिला है। और प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें उसका ऋण भी उतारना चाहिए। हमारी प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली करें, प्रकृति को नुकसान न करें, नदियों को गंदा न करें, नालों को गंदा न करें, पेड़ों के संरक्षण करें, और तभी प्रकृति बची रहेगी तो संसार बचा रहेगा। अगर प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी अपना रूप रहती है। आज देखिए पूरे पृथ्वी का वातावरण बदला है। जहाँ बरसात नहीं होती थी वहाँ भयंकर बरसात और बाढ़ आने लगी है, जहाँ कभी बरसात इतनी होती थी वहाँ बरसात नहीं हो रही है। तो ये उसी का उदाहरण है प्रकृति। जब जब हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, छेड़छाड़ की है, तो इंसान को बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ी है। हम पढ़ते हैं बड़े पुरानी तत्व की किताबों में पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता उस ज़माने में सिंधु नदी जो है तट पर लोग रहा करते थे, लेकिन नदी सूख जाने से आप देखें कि लोग ही सूख गए थे, वहाँ मर गए, घर बार छोड़ के चले गए, कितने हज़ारों साल तक वो वीरान जो है भूमि पड़ी रही। तो ऐसे इंसानों का, जानवरों का,
पेड़ों का सभी का पतन हो गया। ऐसा ना करना है, हमें अपनी प्रकृति को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और हरियाली करने की आवश्यकता है। और इस काम के लिए हमारे जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनसे हमें संपर्क करना है। और जिन जिन के बड़ी खेती है, अच्छे पहाड़ है, चाहे वो वन विभाग में है, तो उनको गोद लेना चाहिए। बड़ी संस्थाएं हैं, गांव को पहाड़ गोद लेने चाहिए। जैसे पिपलांत्री में कितना अच्छा है, एक बेटी जन्म लेती है तो 100 पेड़ लगाते हैं वहाँ पे, 101 पेड़ लगाते हैं। और वहाँ पे पिपलांत्री के बहुत सारे एलोवेरा के प्रोडक्ट बनते हैं, जो मुंबई, शिकागो, हांगकांग, बड़े देश और विदेशों में जाके हमारे यहाँ के राजसमंद और उदयपुर के प्रोडक्ट जो है वहाँ जाके एलोवेरा की द्वारा बनाई गई चीज़ें भी वहाँ जाके बिक्री। तो हम बहुत लोग हम ऐसी ऐसे क्षेत्र में जन्मे हैं जिस क्षेत्र में औषधियों की भरमार है। ये पेड़ पौधियों औषधियों से भरे होते हैं, पूरे परिपूर्ण होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इनका दुरुपयोग करते हैं। मवड़े का इतना अच्छा पेड़ है, लेकिन मवड़े से हमें जो औषधियाँ प्राप्त होती है उससे कई तरह की दवाएँ बनती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको गर्म करके और दारू बनाने का काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। तंबाकू बहुत अच्छी चीज़ है, तंबाकू कई सारे दवाएँ बन सकती है, लेकिन हम उसको बीड़ी बना के पी जाते हैं। इसी तरह से औषधि का प्रयोग अच्छी जगह करनी चाहिए ताकि वो औषधि बन के रहे, हमारे शरीर को फ़ायदा करे। लेकिन यही औषधि है, जब इसमें कोई रासायन चीज़ें मिल जाती है तो ये जीवन के लिए, हमारे मनुष्य जन्म के लिए, मनुष्य के हानि स्वास्थ्य के लिए और प्रकृति के स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी हानिकारक होती है। और ये चीज़ें इनसे हमें भी नुकसान है, प्रकृति को नुकसान है, पेड़ पौधों को नुकसान है, जीव जंतुओं को नुकसान है। तो हमें ऐसे काम न करें, हमें अच्छा बनना है, अच्छा लेना है, अच्छा इस संसार में जीना है। तो इस संसार में हमने लिया ही लिया है, चाहिए कुछ तो इस संसार को ले जाएं, कुछ तो समर्पित कर जाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कहे नहीं साहब हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, प्रकृति प्रेमी थे, पहाड़ के प्रेमी थे, पत्थरों के प्रेमी थे, रोड़ों के प्रेमी थे, मानव के प्रेमी थे, साहित्य के प्रेमी थे। यानी हम सभी तरह से प्रेम और मित्रता के भाव प्रस्तुत करें। बड़ा अच्छा लगा है आज यहाँ जामुड़ी की नाल में, और मेरी कैमरामैन मेरी बेटी कुमकुम को धन्यवाद देता चाहूँगा कि बहुत अच्छी शूटिंग उसने की है, हमारे भाव प्रस्तुत किए हैं। तो हम जब अच्छे भाव मन में होंगे, तो हम जब अच्छा सोचेंगे तो तब हमारा बिल्कुल अच्छा ही होगा। अच्छे सकारात्मक सोच के साथ बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम भी प्रगति करेंगे, हमारा परिवार भी प्रगति करेगा, हमारे पड़ोसी भी प्रगति करेंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश और हमारा विश्व पूरा तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय 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 महादेव जी। धन्यवाद।